भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में हाल ही में हुए कुछ लॉन्च के कारण जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। Xiaomi ने हाल ही में Redmi 4 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जो बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और इसकी कीमत भी ऐसी है कि जो इस प्राइस रेंज के बाकी हैंडसेट को जबरदस्त चुनौती देगा। लेकिन Xiaomi Redmi फोन इस प्राइस रेंज में ग्राहकों के पास अकेला विकल्प नहीं है। Lenovo K6 Power और Moto G5 भी इसी कीमत में ऐसे ही पैकेज ऑफर करते हैं। तीनों स्मार्टफोन को रिव्यू करने के बाद अब हम एक विनर चुनने की स्थिति में हैं, चाहे बात किसी खास डिपार्टमेंट की हो या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तीनों ही फोन 11,000 रुपए के आसपास में उपलब्ध हैं। आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, आइए जानें। डिजाइन के मामले में तीनों ही फोन ने हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा। Redmi 4 और K6 Power में ऑल मेटल बॉडी है और ये एक हाथ से इस्तेमाल करने के लिए बने हैं। Moto G5 थोड़ा पिछड़ जाता है क्योंकि इसकी बॉडी छाप नहीं छोड़ पाती। 144 ग्राम वाला Redmi 4 सबसे हल्का है। तुलना में Lenovo K6 Power और Moto G5 145 ग्राम वजन वाले हैं। मोटाई में Redmi 4 और K6 Power 9.3 मिलीमीटर डायमेंशन वाले हैं। Moto G5 9.5 मिलीमीटर वाला है। Redmi 4 का ऑल मेटल बैक काफी पॉलिश्ड है और यह इस फोन को बाकी दोनों की तुलना में ज्यादा प्रीमियम होने का एहसास देता है और घुमावदार किनारों के कारण यह इस्तेमाल करने में भी आसान है। डिजाइन के हिसाब से Lenovo K6 Power दूसरे स्थान पर है। वैसे डिजाइन निजी पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे हिसाब से Redmi 4 इस डिपार्टमेंट में बाकी दो से बेहतर है। स्मार्टफोन में डिस्प्ले की बेहद ही अहम भूमिका होती है। इस डिपार्टमेंट में Moto G5 और Lenovo K6 Power Redmi 4 को पछाड़ देते हैं, क्योंकि इसमें SD रिजोल्यूशन वाला स्क्रीन है। वहीं Moto G5 और Lenovo K6 Power में फुल SD स्क्रीन है और ये बेहतरीन ब्राइटनेस स्तर से लैस हैं। रिव्यू के दौरान हमें कलर्स भी पंची लगे, लेकिन हमें दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो हम K6 Power के साथ जाएंगे। तीनों ही स्मार्टफोन Snapdragon 400 सीरीज के प्रोसेसर के साथ आते हैं। बेंचमार्क टेस्ट में Lenovo K6 Power ने बाकी दो की तुलना में कमजोर नतीजे दिए हैं। ऐसे में यह इस प्रतिस्पर्धा से तो बाहर है। आम इस्तेमाल में Moto G5 ने हमारा दिल जीता, लेकिन यह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में हम Redmi 4 के साथ जाएंगे, जो आम इस्तेमाल में तो अच्छी परफॉर्मेंस देता ही है, साथ में हमें कभी भी ऐप खोलने या गेम खेलने के दौरान इसके धीमे पड़ने का एहसास नहीं होता। Moto G5 इस कैटेगरी का अकेला स्मार्टफोन है जो Android Nougat का अनुभव देता है और यह फोन सॉफ्टवेयर के मामले में विनर है। ये मानकर चलना होगा कि इस प्राइस रेंज के फोन दमदार कैमरा परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाने जाते, फिर भी Moto G5 K6 Power और Redmi 4 की तुलना में ज्यादा बेहतर तस्वीरें लेता है। इसमें 13 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अच्छी रोशनी वाली परिस्थितियों में इसके कैमरे ने हमें प्रभावित किया। कैमरा डिटेल के साथ तस्वीरें लेता है। 10,000 रुपए के रेंज वाले फोन में ग्राहकों के लिए बैटरी लाइफ बेहद ही अहम फैक्टर है। K6 Power और Redmi 4 बैटरी लाइफ के मामले में मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। दूसरी तरफ Moto G5 में कमजोर बैटरी लाइफ मिलेगी। Lenovo K6 Power को पावर बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा कई ग्राहकों को भा सकती है। इस वजह से यह फोन बैटरी डिपार्टमेंट में विनर है। Xiaomi Redmi 4 और Lenovo K6 Power भारत में अलग अलग स्टोरेज व रैम के विकल्प के साथ आते हैं। इस वजह से ये दोनों फोन Moto G5 से आगे निकल जाते हैं। Moto G5 इन तीनों फोन में सबसे महंगा है। इसमें गर्म हो जाने और औसत बैटरी लाइफ जैसी शिकायत है। हालांकि हम आपको Lenovo K6 Power और Xiaomi Redmi 4 के सबसे महंगे वर्जन खरीदने का सुझाव देंगे। ये वेरिएंट 4GB रैम वाले हैं। अभी आपको इसका फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन साल भर बाद जब आपके फोन में एप्स की भरमार होगी, तब ज्यादा रैम आपकी सेवा में हाजिर होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं कि आप कौन सा हैंडसेट खरीदेंगे और क्यों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। स्मार्टफोन के रिव्यू और फीचर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी में लेटेस्ट टेक न्यूज पढ़ने के लिए hr.gadgets360.com पर लॉग इन करें।